हेलो गाइस, कैसे हो? कम बैक। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक 100 डेज, और ये गाइस पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। तो चलो, वीडियो शुरू होने से पहले गाइस, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वीडियो का लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे 25 का तो सबसे पहले मैंने थोड़ा मशरूम खा, उससे थोड़ा थोड़ा मशरूम लिया, और फिर मैंने मारे थोड़े मॉब्स, फिर मैंने थोड़ी देर किया थोड़ा कोबल स्टोन जनरेटर पे वर्क। उसके बाद रात हो गई तो मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने फिर से थोड़े कोबल स्टोन माइन किए। उसके बाद मैंने थोड़ा वन ब्लॉक को जो फेंस लगी थी उसको तोड़ा और थोड़ा अच्छे से डिजाइन किया। उसके बाद मैं सो गया। नेक्स्ट डे फिर से थोड़ी कोबल स्टोन की कमी पड़ गई तो इसलिए मैंने कोबल स्टोन माइन किया, फिर मैं सो गया। उसके बाद मैं थोड़ा वन ब्लॉक के ऊपर थोड़ा डिज़ाइन पे ध्यान दिया, और फिर हमारा वन ब्लॉक कुछ ऐसे दिख रहा था। इससे हम जो मॉब्स आएंगे उससे बच सकते। अंदर मैंने टॉर्चेस भी लगा दिए और इधर ट्रैप डोर्स लगा दिए, तो मॉब्स आएगा तो गिर के मर जाएगा। फिर उसके बाद मैंने वन ब्लॉक को माइन किया। माइन करते करते मुझे चेस्ट में जिसमें था बहुत सारा वुड और थोड़े चेन के आर्मर, उसको सब मैंने पहना और फिर वन ब्लॉक को माइन किया। उतनी देर में गाइस एक्सपॉन हो गया एक, तो फटाफट से मैं अपने फार्म से बोन लेके आया और इसको हम बैठा दिया। उसके बाद मैं आकर सो गया। नेक्स्ट डे मैंने एक न्यू चेस बना के सारा सामान स्टोर किया, और अचानक से गाइस ये हुआ। मैं माइनिंग कर रहा था उतने में गाइस एक स्केलेटन आ गया और मुझे एरो से गाइस नीचे गिरा दिया। देखो ये रहा स्केलेटन, अब इसको भी मुझे मारना होगा। उसके मारने के बाद मैं आकर सो गया। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा वुड हो गए थे तो वुड कटिंग किया और चेस्ट में रखा। फिर से मैंने वन ब्लॉक को माइन किया। फिर माइन करते करते हमारे आइलैंड पर स्पॉन हो गया एक विलेजर, जो होता हमारा फर्स्ट विलेजर। उसकी मैं ट्रेड चेक किया और जो भी रेट दे रहा था। फिर फटाफट से विलेजर के लिए मैंने एक बोर्ड बनाया, उसमें बिठाया, और फिर मैंने सोचा कि उसके लिए एक हमें ट्रेडिंग बनाना चाहिए उसके लिए घर। तो फटाफट से मैं अभी हम लोग बनाने वाले हैं विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग फार्म। काम करते करते रात हो गई तो इसलिए मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारी वुड कट की और फिर सो गया। फिर सब मैंने वुड ले ली और फिर मैं विलेजर के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए काम करने लग गया। और फाइनली गए हमारा ट्रेडिंग हॉल कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, और ऊपर अंदर से होता तो इधर मैंने फेंस और स्टड्स लगा दिए, और इधर ये बोट आ गए उसको इग्नोर करो, और इधर से गेट है, और इधर से भी सिर्फ एक विलेजर, और ऊपर जाते ही आपको मिल जाएगा बहुत सारे बेड्स जिसमें सिर्फ एक ही विलेजर्स होता है, और बाजू में फेंस लगा दिए। फिर उसके बाद मैंने वन ब्लॉक को माइन किया। फिर मुझे एक और चीज़ मिली जिसमें सेम सामान था, फिर मैंने माइन किया। फिर उसके बाद स्पॉन हो गया पोलर बियर। गाइस इसके आगे की क्लिप क्या पता ऑटोमेटिक गाइस करप्ट हो गई है। मैंने वीडियो सेव तो किया था लेकिन गाइस वो सेव नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी गाइस, मैं बता दूंगा। तो गाइस जो जो मैंने किया है मैं आपको बता दूंगा। और इतने दिन में गाइस मेरे 5 ही दिन हो गए थे, तो चलो करते हैं स्टार्ट। गाइस वीडियो में बीच में गाइस मैंने वो भी किया था कि इतने सारे विलेजर आ गए थे। गाइस एक और विलेजर उसमें वन ब्लॉक में आ गया था तो मैंने उनको लेकर आया और थोड़ा उनको ब्रेड खिला दिया जिससे ये बढ़ गए, और मैंने इधर पोलर बियर को भी रख दिया। और मुझे चेस्ट में से मिला देखो एक हॉर्न, एक स्केलेटन स्पॉनर, एक मॉन्स्टर स्पॉनर, और थोड़े से बोन्स और बहुत सारे सामान मिले। उसके बाद आकर मैं सो गया। नेक्स्ट दिन मेरे पास बकेट नहीं थी तो मैंने लावा को खाली किया, और एक वाटर बकेट लेकर मैंने अपने आयरन के नीचे ब्लॉक वाटर लगाया, वाटर लगा के एक ब्लॉक लगाया। उसके बाद हमारा एक और डॉग आ गया था तो उसको भी मैंने टेम कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वुड चॉप की, फिर जितने वुड मिली थी उसको मैंने स्टोर किए और सो गया। नेक्स्ट दिन मैंने थोड़ा अपना ट्रिप हमको एक्सटेंड किया और थोड़े सैपलिंग्स लगाए। फिर वन ब्लॉक को माइन किया। फिर मुझे मिला एक और चेस्ट। फिर हमारा न्यू फेस भी आने वाला था, और ग्लिच के कारण गाइस हम लोग का बेडरॉक नहीं आ रहा था, तो मैंने ब्लॉक माइनिंग कंटिन्यू रखी।
उसके बाद हमारा न्यू फेस आ गया था। फिर सबसे पहले हमें TNT मिला तो उसको मैंने माइन किया, और ये था गाइस सैंड वाली बायोम जिसमें हमें सैंड से मिलेगा रिलेटेड सामान मिलेगा। तो जितना ही मिल रहा था मैं चेस्ट में स्टोर कर दे गया। फिर एक ट्रेड स्पॉन हुआ जो काम की ट्रेड नहीं दे रहा था, तो उसको भी मैंने अचानक से गाइस वो डिस्पॉन हो गया, फिर मैं आकर सो गया। नेक्स्ट दिन मैंने थोड़ा मॉब्स मारे, उसके बाद मैंने एक बनाई एक शील्ड, मेरे पास एक आयरन आ गया था तो मैंने एक बनाई शील्ड, और मेरे पास अभी कैरेट भी आ चुका था तो सबको मैंने स्टोर किया और हम लोग को माइंड किया। फिर मुझे मिले एक चेस्ट जिसमें था बहुत सारा सामान, तो उसको कलेक्ट किया। फिर थोड़े और सामान मिले उसको भी कलेक्ट किया, और फाइनली हमारा सैंड वाला बायोम भी हो गया था ख़त्म, तो उसको मैंने फटाफट से माइंड किया और हमारा न्यू फेस आ चुका था। फिर मैंने फटाफट से अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखी। फिर माइनिंग करते करते मुझे मिला डायमंड, तो उसको मैंने फटाफट से कलेक्ट किया, और फिर मुझे मिली एक चेस्ट जिसमें था बहुत सारा शुगर केन, थोड़ा बकेट ऑफ वाटर और थोड़ा और सामान मिले। फिर इतने में ही रात हो गई तो मैं आकर सो गया। नेक्स्ट दिन गाइस एक वो स्पॉन हो गया था गाइस, इसमें माइंड कर रहा था उतने में एक छोटा विलेजर ये स्पॉन हो गया था, ये जॉम्बी, इससे गाइस मुझे बहुत डैमेज दिया था लेकिन कैसे भी करके इसको मैंने मार दिया। मैं एक बार मर भी चुका था गाइस, अच्छा हुआ मेरा सामान इतना डिस्पॉन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई एक आयरन की स्वॉर्ड और रख गया माइनिंग करने। फिर उसके बाद मुझे जितने भी सामान मिले थे उसको मैंने न्यू चेस्ट में स्टोर किया, और फिर मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें था गाइस एनचेंटेड गोल्डन एप्पल और थोड़ा सा गोल्डन एप्पल। मुझे टोटल 4 एप्पल मिले हैं जिसमें से 2 एनचेंटेड थे और 2 सादे गोल्डन एप्पल। फिर और मुझे थोड़ा और सामान मिला और एक टोटम ऑफ अनडाइंग। उसके बाद मैं आकर सो गया। नेक्स्ट दिन हमारे 1 ब्लॉक पे स्पॉन हो गया था गाइस ये जो वाटर का गाइस वो रहता है, तो उसको भी मैंने फटाफट से मार दिया, और फिर बहुत सारे टर्टल थे तो फिर टर्टल को भी मैंने अपनी जगह दे दी। उसके बाद हमारा न्यू फेस आने वाला था और ये ग्लिच नहीं था गाइस, अभी बेडरॉक आ गया था तो मैंने वेट किया। फिर गाइस मुझे माइनिंग में गाइस हार्ट ऑफ द सी भी मिला था, और इम्पेलिंग फाइव की गाइस 2 बुक और एक चैनलिंग की बुक भी मिली थी, तो वो सबको मैंने चेस्ट में स्टोर किया। फिर मेरे को एक ये भी मिला था गाइस बकेट ऑफ सिल्वर वाइट स्ट्रिप ही। फिर मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखा और मुझे मिला गाइस पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस का गाइस, और थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा सोल लैंटर्न मिला, उसको मैंने कलेक्ट किया। फिर मैंने चेस्ट को तोड़ा और गाइस हमारा फिर मुझे गाइस एक ग्रेवल मिला जो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, तो मैंने ग्रेवल को तोड़ा और उससे फ्लिंट निकालने की कोशिश किया, और एक फ्लिंट हमारे चेस्ट में पड़ा था तो उससे हमने फ्लेजिंग टेबल बना लिया, और मैंने एक स्मिथिंग टेबल बनाया। फिर उसको मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल में रख दिया जिससे गाइस 2 विलेजर बन गए थे, एक इस टूल्स में बन गया था और एक जो फ्लेचर बन गया था। मेरे पास 2 ही ग्रेवल थे इसलिए मैंने एक ही फ्लेचिंग टेबल बना पाया, तो गाइस ट्रेडिंग करने में बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद बाकी सो गए। नेक्स्ट डे मैंने 2 न्यू फर्नेसेस बनाए ब्लास्ट फर्नेसेस, और फिर एक स्पॉन हो गया स्लाइम, तो उसको भी मैंने अपने घर भेज दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की, टोटल मुझे 16 एनिमल्स मिले, तो उससे मैंने थोड़ा ब्रेड्स लिया और फिर वही ब्रेड मैंने विलेजर को दे दिया। रात हो गई तो फिर मैं आकर सो गया। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारे बेड्स बनाए और अपने ट्रेडिंग हॉल में लगाया। फिर बेड्स लगाने के बाद मैंने किया गया थोड़ा आर्मर पे ट्रेड, जो सबसे पहले एक चेस्ट प्लेट देगा और दूसरा आर्मर मुझे बूट्स देगा जिसे हमारा मैक्स करके दोनों हमें फुल आर्मर दे देगा। फिर मैंने 1 ब्लॉक को माइन किया, उतने में न्यू फेज आ गया था, और फिर माइन करते करते मैं माइनिंग कर रहा था। फिर माइन करते करते गाइस एक लामा स्पॉन हो गया था और एक छोटा विलेजर था जो भागकर चला गया अपने ट्रेडिंग हॉल पर। फिर रात हो गई थी इसलिए आकर मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने 1 ब्लॉक को माइन किया, फिर एक अगले स्पॉन हो गया तो इसको मैंने एक ब्लॉक पकड़ा के उसको घूमने दिया।
फिर मैंने किया ब्लॉक माइन, और उसके बाद मैंने एक न्यू चेस्ट बनाया जिसमें से मुझे बहुत सारा एक लैपटॉप मिला था और 64 बुक्स और बहुत सारे बॉटल ऑफ एनचेंटिंग सबको। फिर मैं माइनिंग कर रहा था तो अचानक से गाइस हमारा एनिमेटर स्पॉन हो गया था, वार्डन। हाँ गाइस वार्डन। तो फटाफट जो जो सामान थे उसको मैंने सब, फिर सारे आइटम्स को मैंने चेस्ट में स्टोर किया और फिर एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाई। फिर मैं डायमंड स्वॉर्ड लेकर गाइस वार्डन को मार रहा था, फिर उतने में गाइस उसने ये ऐसा किया, मेगा जूस के गाइस वो जो फेंका उससे मर गया मैं। फिर फटाफट से मैंने जो जो आइटम्स लिए थे फटाफट से उनको कलेक्ट किया और अपने मैंने अपने आर्मर को पहना। फिर थोड़ी देर बाद गाइस मैंने क्या किया आपको बताता हूँ। मैंने गाइस पिकेक्स ली और जो भी ब्लॉक थे उसको तोड़ा, तो उससे गाइस वो जाकर नीचे गिर गया, फिर मैं आकर सो गया। फिर मैंने सब ब्लॉक्स लगाए, स्लैब्स लगाए, फिर थोड़ी मैंने वुड ली और उससे मैंने थोड़े फिर प्लैंक्स बनाए और फिर विलेजर से ट्रेड किया। फिर माइनिंग करते करते कैसे एक बार वार्डन स्पॉन हो गया था, तो फिर मैंने वही टेक्निक लगाई और उसको नीचे गिरा दिया। फिर एक चेस्ट में से मुझे मिला गाइस, हाँ गाइस 6 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, मतलब क्या है एंचेंटेड गोल्डन एप्पल तो ऐसे ही मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा और सामान मिला, उसको मैंने कलेक्ट किया और फिर माइनिंग किया। फिर गाइस जो जो मेरे को चेस्ट पेड दे रहा था तो मैं उसको गाइस ब्लास्ट होने से गाइस उसको मेल्ट कर रहा था, जिससे मुझे नगेट मिल रहे थे। फिर उससे मैंने आयरन इंगट बनाए। फिर हमारे पास टोटल 7 आयरन इंगट थे और इधर थे 19, और हमें बनाना था एनमिल लेकिन हम बना नहीं सकते, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत सारे मॉब्स मारे, फिर आकर मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारे प्लैंक्स बनाए और उसके स्टिक्स बनाकर मैंने विलेजर से ट्रेड किया, और हमारे पास एक ही विलेजर था तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक आयरन की पिकेक्स बनाई और मैंने बचा हुआ आयरन बैरल में रख दिया। फिर उसके बाद मेरा एक वन वन ब्लॉक पर डायमंड आया था, तो उसको मैंने फटाफट से माइन किया, फिर माइनिंग कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद एक और चेस्ट मिली जिसमें सेम आइटम्स था, 6 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल और थोड़े बहुत सामान, उसको कलेक्ट किया और फिर एक और स्पॉन हो गया वार्डन। तो मुझे पता था कैसे मारना है, तो फटाफट से मैंने सब सामान स्टोर किया और चला गया एक पिकेक्स लेकर। तो मैं ऐसे कुछ मारता हूँ, देखो गाइस ये स्लैब को तोड़ देता हूँ, जिससे फिर ये वार्डन गाइस अचानक से नीचे गिर जाता है और उसको मैं टाटा बाय बाय बोल देता हूँ। फिर मैं पूरा स्लैब्स लगाया और फिर आकर सो गया। नेक्स्ट दिन मैंने बहुत सारे मॉब्स मारे और फिर मुझे एक चेस्ट प्लेट मिली थी जिसमें चेन चेस्ट प्लेट जिसमें अनब्रेकिंग 2 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2 था। और फिर मैंने अपने दोनों डॉग को खाना खिलाया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक लामा गाइस वो मर रही थी, तो फिर अपने मैंने अपने डॉग को खिलाया खाना, छोटे वाले डॉग को, और फिर ये ट्रेलर अच्छा सामान नहीं रहता तो उसको मैंने पाताल लोक भेज दिया। फिर पाताल लोक भेजने के बाद लामा भी गाइस चली गई थी। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हमने आज सर्वाइव किया गाइस। इस वीडियो में गाइस हो गए हमारे 50 डेज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस लाइक है मैं गाइस 20 लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना। 20 लाइक्स हो गए तो जल्दी गाइस न्यू वीडियो आ जाएगी। गाइस 50 डेज जो बाकी है उसको मैंने कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो फटाफट पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं पार्ट 3 में, जब तक के लिए।